यादों में पैरों में बीचों में दीदों में दीजों में गुलहारा आज भर ले चल बार बार नचले रहना न यार पीछे जितना भी कोई खींचे हस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका नमस्कार प्रणाम चरण स्पर्श बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा हमारे साथ देखिए तमाम धरती पुत्र और पुत्रियां यहां पर आ चुके हैं जोरदार ताली बजाइए जरा अपने लिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे आज योगी बाबा की बाबा ने जो कहा वो हो गया अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप चुन चुन कर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं मुसलमान टारगेट पर हैं लेकिन एक बात यह भी है कि गुंडे और माफियाओं का अगर कोई इलाज है तो क्या है योगी राज है यह बार बार देखने को मिला है लेकिन इस पर आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं आज ये पूरा देश देखेगा कार्यक्रम की क्योंकि यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब जो बाबा का जिक्र आपने छेड़ दिया उस पर हम कुछ कहना चाहते हैं बोलना चाहते हैं तो शुरुआत कर लेते हैं जरा कि बाबा पर आज कौन क्या कहना चाहता है क्या नाम है जी आपका जी क्या नाम है कहाँ से आए मैं पटना बिहार से आया बिहार के रहने वाले जरा जोरदार ताली बजाइए बिहार के धरती पुत्र के लिए बाबा ने कहा कि भैया साफ कर देंगे मिट्टी में मिला देंगे अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुन चुन कर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है देखिए कोई आतंकवादी है कोई अपराधी है तो आतंकवादी अपराधियों का कोई जाति नहीं होता अगर आतंकवादी और अपराधियों पर अगर चुन चुन के उसको मारा जाता है उस पर कार्रवाई होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है तो ये जोगी जी धनवाद के पात्र है लेकिन निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए बस यही मेरा कहना बस यही कहना है भैया निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए नमस्कार जी झारखंड से आप आए माफियाओं ने हड़प लिया झारखंड में ये देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी जो कानून लेकर आए और उन्होंने कानून व्यवस्था जो बनाई उसके बाद यहाँ पर जो प्लॉट पर कब्जे हो जाते थे वो होने बंद हो गए लेकिन आप कह रहे हैं कि झारखंड में ये सब चल रहा है चल रहा है ये मेरा मकान हड़प लिया 6 करोड़ का मकान कितने का 6 करोड़ का 6 करोड़ रुपए का मकान हड़प लिया 5000 कोरोना में अब कोरोना में रजिस्ट्री कैसे हो गया जब गाड़ी घोड़ा बंद था ट्रेन नहीं चल रहा था हम अपने बेटे के पास जयपुर में थे उस समय कोरोना में मेरा मकान हड़प लिया और वो प्रशासन से कहते कहते राष्ट्रपति ने भी लेटर लिखा प्रधानमंत्री का भी लेटर है इसमें और कुछ नहीं किया ये देखिए इतना ये ढड्डा है राष्ट्रपति का है मुख्यमंत्री का सभी का इसमें लेटर है सभी का लेटर करते करते 1.5 साल से FIR भी हुआ है कुछ नहीं किया प्रशासन की तरफ से वहाँ के SDM के पास गए वहाँ जी कुछ नहीं सब पैसे खा गए पैसे DM से बात हुई जी DM के पास गए थे अपने CA से DM से उपायुक्त से भी बात किया मैंने और यहाँ तक मुख्यमंत्री से सामने सामने बात किया मैंने भाई ये तो ये जंगल राज है इस राज को इस तरीके से नहीं चलने दिया जाए और बाबूजी जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा सुना जाए जी रखा है मैं आमर अनशन पे बैठा हूँ चार मुझे लग रहा है कि आपकी बात पहुंच रही होगी और झारखंड की सरकार और वहाँ के लोग देख रहे होंगे और वहाँ पर अब इस बात को लेकर जरूर और मैं कोशिश करूंगा कि आप इस कार्यक्रम के बाद मुझसे मिलिएगा मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका ये मामला जेन्यून है तो उस पर एक्शन हो वहाँ की सरकार जो है इस पर एक्शन ले हाँ उंगली उठाकर फिर से खड़े हो गए हैं क्या नाम है जी आपका मेरा किशोर वर्मा किशोर वर्मा जी क्या बात है कहाँ से आए मैं वेस्ट पटेल नगर से पटेल दिल्ली के रहने वाले हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती पुत्र में अच्छा लग रहा है आप भी हिंदुस्तान के धरती पुत्र हैं कि नहीं है तो आज क्या कहना बताइए योगी जी और माफियाओं का जो मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है ये सब गलत हो रहा है जी पकड़ लीजिए बहुत गलत हो रहा है जी हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है रोजगार है नहीं
काम धंधे खत्म हो गए हैं। रिपोर्टर की तरह एकदम लेके खड़े होके बोल रहे हैं कि भैया काम धंधा खत्म हो गया, बेरोजगारी हो गई है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है क्या? देखिए, हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है, जो माफिया होगा उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा। और मैं योगी जी से यहाँ से करना चाहूंगा, जो बलात्कारी लोग हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो, सहंगर हो, इनको कम मिट्टी में मिलाएंगे। आसाराम हो, ऐसे लोगों को भी मिट्टी में मिलाइए जो देश की बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं, उनको मिट्टी में मिलाएंगे क्योंकि उनका ताल्लुक है बीजेपी आरएसएस से। बीजेपी आरएसएस से ताल्लुक होगा तो मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। अनुजा जी, ये बहुत गंभीर मामला है कि बीजेपी से कोई लिंक निकल गया तो मिट्टी में नहीं मिलेंगे, और समाजवादी पार्टी से लिंक निकल गया तो आप लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी सरपरस्त है, उन्हीं के पाले हुए हैं, उन्होंने ही बनाया है इनको माफिया और बदमाश। समाजवादी पार्टी अगर इतनी मुखर होती और वहां पर इनका जंगल राज ना होता तो 2017 फिर 2022-21 पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, इस हम लोग मोदी सरकार जब आई, यूपी सरकार, योगी सरकार जब आई तो क्यों हुआ इतनी बहुमत के साथ? पूछिए इनसे, जो उन्होंने जंगल राज वहां पर बनाकर रखा, सैंड माफिया टूटी चोर, इनका आप पूरे इनके केसेस देखिए, इनके केसेस चाहे आपका, इन्होंने चीनी की जो मिल्स है उसको बंद कर दिया, हाँ, लड़कियों के साथ जो बलात्कार होता है, सबसे बड़ी बात बिजनेसमैन आज वहां पर खुला चल सकता है। मेरी बहन एक यहाँ पर भी खड़ी है, वो भी बताएंगी कि सिक्योरिटी का रीजन वहां पर आज एक औरत किस तरीके से महफूज है। ये मिशन पनिशमेंट जो योगी जी ने चालू किया, जहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ दी एंटी सोशल एलिमेंट्स, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत कितनी इनकी करोड़ों जो संपत्ति है वो जब्त हुई, और जब्त के साथ जो यहाँ पे जो एनक्रोच की गई थी जगह वो खत्म हुई। ठीक है, आज झारखंड का एक मामला सामने आया तो उन्होंने जोड़ दिया कि एनक्रोचमेंट पर भी सरकार जो है सख्त कानून के साथ, सख्त प्रशासन के साथ काम कर रही है, और लोग थोड़े से राहत, क्योंकि मैं भाई खुद ही उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, समझ रहे ना, मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था। बताओ, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, आप लोग भी सुनिएगा, मजा आएगा। अब प्लॉट मेरा है ना, प्लॉट मेरा, और भाई साहब चले गए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज लेकर कि भाई साहब प्लॉट मेरा है। तीसरा एक और आदमी, मान लीजिए ये भाई चले गए कोर्ट में कि नहीं नहीं भाई इसका नहीं, हमारा प्लॉट है, अब हम तो है ही नहीं सीन में, ये चलता था। फिर एक माफिया आता था, कहता था कि भाई आओ समझौता करा देते हैं, कितने का है? 40 लाख का, 30 लाख में तुम एक काम करो फिर से ये प्लॉट खरीद लो। फिर अगला कहता था भाई साहब 30 लाख तो बहुत ज्यादा है, एक काम कीजिए 10 लाख में करवा दीजिए। कहता था चलो खत्म करो 12 लाख में, मामला डन है। अब अगला जिसका प्लॉट है, मेरा प्लॉट है, मैं ही 12 लाख रुपए देके अपने प्लॉट को फिर से हासिल कर रहा हूँ। तो ये सब तो चल रहा था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में बचपन से रहता हूँ इसलिए जानता हूँ भाई साहब। लेकिन समाजवादी पार्टी इतनी क्यों परेशान है ये बताइए। देखिए, हम बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश देख पा रहा है कानपुर की बुलडोजर चलने का काम गरीबों पे हुआ है, गरीबों पर हुआ है। वो जो मरा है वो कानपुर, अरे कानपुर छोड़िए, इलाहाबाद पर आइए, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं है, मतलब जो सूट करेगा वही कहेंगे, बताएंगे। विषय रखने दो, विषय रखने दीजिए, प्रोफेसर साहब रखिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कानपुर का साइड इफेक्ट, और हम कह रहे हैं इसके बाद प्रयागराज, हम कह रहे हैं अपराधियों काम करो, लेकिन सूची तो अलग बता रही है, 52 में से 22 मंत्री। एक सूची मेरे पास भी है, आप पहले पढ़ के सुना दीजिए, उसके बाद मैं पत्रकार हूँ और आप लोगों को सच बताना मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक सूची लेकर आया। 52 में से 22 मंत्री योगी सरकार के क्रिमिनल केस है, आप ये बताइए। नंबर दो, ये कह रहे थे मिट्टी में मिला देंगे, अतीक अहमद पर नहीं, मैं आप नहीं बिल्कुल बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ अतीक अहमद तो बहुजन समाज पार्टी में है, हम कैसे बोल सकते हैं उनके बारे में, बहुजन समाज पार्टी बोलेगी? हम इतना बताने चाहते हैं ये मिट्टी में मिलाने की बात कहते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है आप बेरोजगारी को मिट्टी में मिलाइए, आप घुमाइए मत। आपने कहा कि चुन चुन कर, आपके नेता भर क्यों कह रहे हैं, आपके सांसद क्यों कह रहे हैं कि चुन चुन कर मुसलमानों को, अभी भी आप जो जानबूझ कर हिंदू मुसलमान कराते हैं, जानबूझ कर करा रहे कि नहीं करा रहे, तो हटा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए सांसद को, बोलिए कि भैया हमारी पार्टी में, हमारी लड़ाई है वो है महंगाई को आप मिट्टी में, फिर आगे महंगाई पर मिट्टी में मिला दीजिए फलाना। ओ भाई साहब, देश में और भी मुद्दे हैं, उस पर भी बात होगी। अंबर, क्या मुसलमान टारगेट हो रहे? बिल्कुल ही, मैं उत्तर प्रदेश में जन्मी हूँ और वहीं से आती हूँ, मुझे आज तक उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगा, इनफैक्ट मेरा ऑफिस भी नोएडा में है तो मैं काम करती हूँ, और इनफैक्ट मैं कितनी बार ऐसा होता है कि 11-11 बजे ऑफिस तक रहती हूँ और वहाँ से लेट काम करके निकलती हूँ, और आसपास अगर निकलती भी हूँ
तो वहाँ पे रेड़ी पटरी वाले होते हैं, उनका यही कहना होता है कि जब से बाबा जी आए उत्तर प्रदेश में हमें काम करने में बड़ी आसानी हुई है, पहले बड़ी परेशानी होती थी। जो सुविधाएं और जो खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो यूपी में बदलाव आया है, वो सब देख सकते हैं सामने। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी भैया बात रखें, एक सेकंड आराम से। देखिए समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है वो ये है कि वो हमेशा अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी पार्टी के मुखिया ये कहे कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, रेपिस्ट बड़ा फेमस हो गया। नहीं, दूसरी बात सुन लीजिए, आप शफीकुर रहमान बर्क पीएफआई के समर्थन में कहते हैं कि पीएफआई ऐसा कोई काम ही नहीं करती, उसके ऊपर भाई साहब आप लोग प्रदेश जल्दी जाओ। इस प्रदेश और देश ने देखा, इसमें मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने मुकदमे हटाने लगते हैं, सबसे पहले आए और अपने मुकदमे हटाए योगी जी ने। आज योगी जी का फोटो अखिलेश जी के साथ छप जाता अगर वो मुकदमे उनपे होते। ठीक है, मैं एक बात बस ये बोलना चाहती हूँ, जब समाजवादी पार्टी थी तो ना मुख्तार अंसारी को कैद हुई, ना ध्रुव कुमार को, ना मुनीर को, ना योगेश बांद्रा को, ना अमित कासाना को, और जैसे ही योगी सरकार आई आज ये सब जेलों के अंदर। ये तो बात है भैया। अब देखिए, मैं किसी सरकार या किसी मंत्री मुख्यमंत्री के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी डरे हुए हैं। कुछ अपराधी तो हम पत्रकारों से भी कांटेक्ट किया करते थे, कहते भैया पुलिस पीछे पड़ी है, कैसे बचे रास्ता तो हम कहते थे हमको नहीं पता भैया, तुम कौन जानते नहीं है। हाँ, एक सेकंड, योगी है तो कुछ भी मुमकिन है। बदमाशी तानाशाही सब खत्म हो रही है, क्राइम जीरो रेट आएगा यूपी में। योगी है तो कुछ भी मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। एक सेकंड। हाँ जी, देखिए अखबार कितना सारा लेकर आए, बहुत बढ़िया, पूरा पढ़ के आए, एकदम तैयारी करके आए। कहाँ से आए? मैं फरीदाबाद से हूँ, वैसे मेरा मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, जिला मथुरा है मेरा। यूपी से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं और मथुरा है। हाँ, मथुरा के रहने वाले, कृष्ण की नगरी के रहने वाले, बहुत बढ़िया है। तो अभी किस पर बोलेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के जो भाई साहब है प्रवक्ता, उनके बारे में कुछ समाजवादी पार्टी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके शासन में मायावती जी के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, जो ये कहते हैं कि हम बड़ा सुरक्षा थी, महिलाओं को बहुत सुरक्षा थी, और इतनी बड़ी लीडर होने के बावजूद उसके साथ ये घटना हो गई। तो और वही आदमी जो इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, वो भी उस पर भी आरोप लगे थे ना, याद होगा आप लोगों को, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अभी जो हत्या हुई है उसके पीछे पूरा। पत्रकार महोदय सर, हाँ बात हो रही है, हम उनके पड़ोसी मोहल्ले में रहते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया, कैसी जान पहचान, अच्छी है कि नहीं? अरे भैया माफ कीजिए, इनका जो दबदबा है, जो गुंडे ही है, इनके गुर्गे ये तो जेल में है, लेकिन इनके जो गुर्गे हैं, पिट्ठू हैं, अभी भी आतंक मचाए हुए हैं। क्या करते हैं जरा ये पड़ोसी भैया अच्छे से बता सकते हैं कि आते हैं, चाकू दिखाते हैं, रिवॉल्वर रख देते हैं, कहते हैं घर में झाड़ू करो, पोछा करो। अरे भाई डरते का है आप लोग, अब तो बुलडोजर चल रहा है। ये भौकाल दिखाते हैं कि हम तो अतीक भौकाल, और गुंडागर्दी में भौकाल ही चलता है। शुभम आ गए, बहुत बहुत स्वागत है शुभम, बताइए। देखिये महाराज जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया। अभी एक और की फोटो आ रही है, वो अखिलेश यादव जी के साथ वो हाथ मिलाकर खड़ा हुआ है। पहले क्या होता था कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में पुलिस काम करती है गुंडों को समाप्त करने का। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी सरकार में जो गुंडे होते थे वो एक्सटेंडेड पुलिस का काम करते थे, किसी से एक्सटॉर्शन लेना हो, किसी से पैसा लेना हो, किसी को मारना हो, तो वो तो अखिलेश यादव की दूसरी पुलिस की तरह काम करते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई। मैं बात और कहना चाहूंगी कि लाउड स्पीकर का बहुत बड़ा बवाल मचा था, और उसके बाद ही इलेक्शंस भी थे, याद है? उस वक्त मुसलमानों ने मिलकर, अरे भाई साहब एक चीज बता देता हूं, अनुजा जी बता रही हूँ, मुसलमानों ने मिलकर हिंदुओं के साथ उस लाउड स्पीकर एक्ट के अंदर अपना समर्थन दिया, और यूपी के अंदर दोबारा से बाबा जी वापस आए। एक सेकंड, भाई आया है, क्या नाम है जी? हाँ, मेरा नाम मन्नान कुरैशी है, मैं खुद बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता जी, क्या कहना, वैसे समझ में आ गया कि क्या कहना चाहेंगे आप?
लेकिन तब भी बताइए। हमने कहा अलाउड स्पीकर के लिए, हमने सबने बोला जो किसी को प्रॉब्लम है तो हटाओ। एक बात बताऊं, लाउड स्पीकर का मामला ये है कि चाहे कहीं भी बजता था नींद खुल जाती थी, और जो लोग देर से सोते हैं अब वो अच्छे से चैन की नींद सोते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने जानबूझकर समर्थन किया और कुछ लोगों ने नहीं चाहते हुए भी समर्थन किया, क्योंकि सोचा आदेश आएगा तो पालन होगा ही होगा। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अरे हम नहीं, आप बोलिए, आपके पास आए हुए हैं। क्या जी? हाँ जी, ये देखिए कुछ लोग तो एकदम माइक देखते ही पीछे हट जाते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ है, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से खाइएगा। हाँ, अभी का मौसम सबसे ज्यादा खराब है। क्या जी? हाँ, मैं मोहम्मद जफरुल्लाह, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। भाई साहब, आप लोग एक साथ आए क्या? ये अनुजा कपूर जी के साथ तो नहीं आए? एक सेकंड, एक सेकंड। मुझे लगता है मेरे यहाँ पर सारे खड़े मेरे भाई बहन बीजेपी की बात नहीं है, देश के कार्यकर्ता हैं। इस पे बात कीजिए आप, देश के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पे कोई नहीं खड़ा। ये ठीक कर दिया, ऐड कर दिया, आपके पास आता हूँ अंबर। लेकिन ये जो देश के कार्यकर्ता हैं, या जो कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, लोग मान लेते हैं बीजेपी के साथ हैं, ये भी एक धारणा है। ये अगर लगता है किसी को कि जो देश के साथ है वो बीजेपी के साथ है, तो मुझे लगता है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर बीजेपी सामने आई तो उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि जिस तरह से जो ऑपोजिशन है या विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे हम प्रदेशों में बात करें या देश में बात करें, वो एक नैरेटिव जो गढ़ने की बात करते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ, आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या किसी प्रदेश की पार्टी की बात करें, शफीकुर रहमान बक ने कहा हो या फिर ओवैसी हो या जितने भी नेता हो, यही कहते नजर आते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर जुल्म हो रहा है। आप देखिए, दो तीन लोग आपको कार्यकर्ता मुस्लिम भाई मिले हैं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता। तो देश में जो हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के अगर पिछले चुनावों की बात करें, जितनी भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, राशन की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उन सब का फायदा मुसलमानों को, गरीबी रेखा। हाँ, मुसलमान एक बात ये कहते हैं कि हमको बहुत फायदा हुआ है, बहुत जल्दी में है, कहीं जाना है, ट्रेन रहने। हाँ, और कैडू, ट्रिपल तलाक के बारे में भी किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि आज ट्रिपल तलाक को उसको रद्द कर सके। आज एक औरत, मुसलमानी औरत, मेंटेनेंस एलिमनी का हक रखती है, एक ही मेंटेनेंस एक्ट के अंदर। कुछ फैसले तो ऐसे हुए हैं सरकार में जी। रहने वाला मैं गोरखपुर का हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। एक सेकंड, रहने वाला मैं गोरखपुर, यानी कि ये एक बात बता देना चाहते हैं, आए तो है बाबा के इलाके से, है ना, हम भी वहीं से हैं, सब साथ में तो नहीं आए हैं। हाँ, कहेंगे कि बाबा के यहाँ से बुलवा लिया है भैया, कुछ भी आरोप लगा। लेकिन एक चीज बता दूं मैं, पहले जैसे जाता था मैं गुंडा माफियों की रास्ती, आज मैं जाता हूँ ना गुंडा, ना माफिया, ना पुलिस, कहीं से नहीं, ये मैं देखा हूँ। ये जो एक चीज बताइए, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हाँ, और वैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले, समझ में आए। एक चीज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भैया, एक सेकंड रुके, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ जाते थे तो ये चिंता तो नहीं रहती थी कि घर पर कोई कब्जा कर लेगा? क्या चीज? जाते थे छत्तीसगढ़ और जब तक लौट के आते थे तो ये चिंता तो नहीं रहती थी कि घर पे कोई कब्जा कर लेगा, खेत पे कब्जा कर लेगा, है प्लॉट खरीदा है प्लॉट पर कब्जा कर लेगा। यूपी में चिंता रहती थी जब ये चोरों की सरकार थी, अब से ऐसा, अब कोई चिंता नहीं है, पुलिस हमारे साथ है। पुलिस साथ होनी चाहिए भाई साहब, सरकार किसी की भी हो, पुलिस और प्रशासन अगर दुरुस्त है तो मामला टाइट रहता है, हिम्मत नहीं बदमाशों की। देखिए, इन्होंने भाई ने बिल्कुल सही कहा, समाजवादी पार्टी में तो ये नारा हुआ करता था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नारा ही ये था कि खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ घर तुम्हारा। ठीक है, जल्दी से। हाँ, इस प्रदेश ने देखा है कि बच्चा पासी, आज नोट बना के फर्रा बना के लाए, समाजवादी पार्टी के नेता फर्रा बना के लाए, बच्चा पासी जो कुख्यात अपराधी है वो शेयर करता है प्रयागराज में योगी जी के साथ मंच, ये पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। और मैं आपसे पहला, अच्छा एक मिनट बात सुनो, चलिए आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि योगी जी के साथ कौन है नहीं है, उससे आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि माफियाओं के साथ फोटो खिंचवा लो, ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ, किसानों की हत्या करने के लिए गृह राज्य मंत्री का बेटा निकल जाता है, ना आतंकवादी की आवश्यकता है, ना क्रिमिनल की आवश्यकता है, गृह राज्य मंत्री बीजेपी का बेटा निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुजा जी, मेरे दो मेहमान जो है बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनका मुंह उतर गया है, और चारूक के पास मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि पहले पॉलिटिशियंस को सुन लें, उसके बाद भारत की जो धरती पुत्री हमारे साथ, जो हमारे साथ मेहमान बनकर खड़ी है, उसकी राय क्या है वो देख लेंगे। भाई साहब,
उदास मत होइए, मैंने बुलाया है तो आऊंगा जरूर। अगर योगी जी इतने ही बढ़िया काम कर रहे हैं तो मोदी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। भाई बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन एक सेकंड। हाँ विद्यनाथ, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुंह से इतनी बचकानी बात। मैं तो इस बात को अच्छी बात मानता हूँ कि भैया एक और प्रधानमंत्री का नेता और एक और प्रधानमंत्री लायक व्यक्ति हमारे देश में खड़ा है और विरोधी लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो होने दो भाई, फंस गए। कौन फंस गया? एक और नेता तैयार है देश में प्रधानमंत्री पद के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे छोड़ो। कौशिक जी जल्दी से पूरा कीजिए। अरे इधर उधर मत देखिए, बात करिए, कैमरे पर देखिए। आपके कांग्रेस के नाम मल्खाए अर्जुन वो खड़गे और राहुल गांधी वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों एक नहीं है, पता है ना? वो आपके ठीक है। अनुजा आप प्लीज आइए। हाँ जो ये आप कहना ये चाह रही है। अरे भाई साहब ध्यान दीजिए, एक है भाजपा में चोर मौसेरे भाई एक हैं, इसलिए अगर योगी की बात आएगी तो मोदी जी भी उनसे अपनी दुश्मनी निभाएंगे। और कांग्रेस तो एक बात कहती है कि संविधान के अनुसार अगर कोई काम हो रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जय बात तो संविधान के अनुसार। सुनो भाई एक सेकंड, आ रहा हूँ अंकल जी, एक सेकंड अक्सर भाऊ जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास तो आता ही हूँ। अरे कभी छूट भी जाते हैं तो अगले दिन आ जाता हूँ। आप कुछ लोग जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में रोज आते हैं, हिस्सा बनते हैं इस कार्यक्रम का, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि देखिए आज के वक्त में अगर सबसे ज्यादा कीमती कुछ है ना तो वक्त है हम सबका, है ना? और वो वक्त निकाल कर आप लोग आते हैं अपने काम से, अपने घर से वक्त निकाल कर आते हैं, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को, है ना? इसी तरीके से आते रहिए, शोभा बढ़ाते रहिए। लेकिन कभी कभी थोड़ा माइक नहीं आए तो नाराज मत हो। यहाँ किधर पीछे से आवाज आ रही, आगे आओ, नहीं आना। ये बैक बेंचर्स हैं स्कूल वाले। लेकिन अब कहानी सुनाएंगे, कहानी हाँ कहा इनके पास आ। एक सवाल हम पूछेंगे, यहाँ पे जितनी पब्लिक खड़ी है, किसको क्राइम फ्री स्टेट नहीं चाहिए? कहीं भी बोलो भाई, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए क्राइम फ्री स्टेट या नहीं चाहिए? सबको चाहिए भैया, मुझे भी चाहिए, मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ। इसलिए सर 35 ईयर बाद इतिहास बदला गया, दोबारा सरकार बनी यूपी में 35 साल बाद, और कभी किसी ने बनाया जिनकी क्राइम फ्री स्टेट था, इसलिए बना गया। क्या बात है, तो जय बात। ऐसे बोल देना पड़ता है, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है बोलने वाले का। आप लोग समझते हैं कि ये हल्ला मचाता है। जा रहा हूँ गाँव, 7 तारीख को जा रहा हूँ। तो गाँव तो इसलिए जा रहा है कि होली मनाएंगे। 5 बजे पहुँचूंगा, 5 बजे जाऊंगा, 12 बजे पहुँचूंगा बाइक से। ये मच्छर भी नहीं पूछूंगा, पूछे कहाँ से आए हो? देखिए सर, अभी आपने लोगों को जागरूक किया है, आप यूपी के रहने वाले, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी के चार वहाँ पर रजिस्ट्री हो जाती थी और लोगों को डरा धमका के भगा दिया जाता। एक मिनट सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपने सच्चाई जो रखी है ना, मैं इसका आपका धन्यवाद करता हूँ। जाऊँ कि नहीं? एक मिनट सर। इंतजार कर रहे हैं योगी जी ने अब जो वाई खाता खोल दिया है। अब इनका प्यार ऐसे हाथ पकड़ो प्यार है, हाथ पकड़ लेते। चारू बताइए, उत्तर प्रदेश में जो हालात है, जो तस्वीर है, योगी जी हैं, विपक्षी हैं, समाजवादी पार्टी हैं, भाई खड़े हैं, सब हैं, लेकिन क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक महिला होने के नाते बताइए, धरती पुत्री होने के नाते बताइए। आ रुको, हाँ बहुत इंतजार कराया था आपने, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ जी, तो बात की जाती है लड़कियों की सेफ्टी की, गर्ल्स अब पहले से ज्यादा बहुत सेफ फील करती हैं। बात की जाए पहले पुराने टाइम पे लड़कियां नौकरी पे जाने से पहले नाइट की जॉब करने पहले सोचती थी, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब नाइट आउट करने में भी नहीं सोचती है, घूमने के लिए निकल जाती है सड़क पर। क्या बिलाल भाई, लेकिन एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है, मैं बिलाल खान आपका नाम है इसीलिए बार बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है और पूछने में कोई मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप मुसलमान हैं और कुछ मुसलमान हैं देश में, चाहे वो किसी पार्टी के सांसद हो, चाहे वो अगवा हो या किसी संगठन के प्रमुख हो, वो जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ सरकारें काम करती है, ऐसा है क्या? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बॉर्डर पर किसानों को एक साल बिठाने, फिर किसान पे चले गए। अरे मेरा सवाल मुसलमान पे है यार, अरे मेरा सवाल मुसलमान पे है बिलाल भाई। हाँ किसानों के, किसानों को छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, अरे किसानों को मैं देख लूंगा,
अरे किसानों के लिए मैं लड़ दूंगा। उनको ऊपर जिप्सी चलाने वाले का बेटा जो अजय मिश्रा टेनी ने उसको ऊपर उसको कब मिट्टी में मिलाएंगे? बात करिए ना, आज भी मंत्री बने बैठा उसका बाप, उस पे बताइए उसको कौन मिट्टी में मिलाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्राइम की, बात करिए रोजगार की, बात करिए एजुकेशन की, बात करिए कितना दे जाए योगी सरकार। धन्यवाद, आपने माइक थाम लिया, ठीक है। ये उधर उधर की बात घुमाते हैं आप लोग, अंबर है आप लोग भी नहीं समझ पाते मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र होता है। अच्छा, जो बिलाल का सवाल होता है हर डिबेट में ये होता है कि आप रोजगार पे बात नहीं करते, इससे तो मैं भी तंग आ गया। लेकिन ये सवाल इनको विपक्ष से नहीं करना था कि देश का विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है बहुत अहम होती है, वो कभी जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं करती? वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के। पहली बार सुन रहा हूँ कि 70% सवाल नहीं करे जाएगा। नहीं, सवाल कीजिए, लेकिन वो घिसे पिटे सवाल मत कीजिए। वो सिलबट्टे पे घिस घिस के अबे घिस गया भैया। हाँ कहिए। ये जो कोई भी पॉलिटिक्स नेता मुसलमान के नाम को बदनाम करते हैं, मुसलमान को किसी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, ना बीजेपी से। ये भाई बोलेगा, ये कह रहा मैं मुसलमान हूँ। जी मैं मुसलमान हूँ। आप ही मुसलमान है तो नाम कहाँ बताया, कहाँ पता चला खान है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान कौम को किसी बीजेपी या किसी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। देश का जो पार्टी भला करेगा वही पार्टी ठीक है। हाँ हेलो, मेरा नाम आदित्य है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। और एक लाइब्रेरी GPT लाइब्रेरी है जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है, और वो ट्रस्ट के थ्रू 1984 में खुली थी, वो 2020 से बंद है। मैं प्रशासन के पास भी जा चुका हूँ, सबके पास, अभी वो लाइब्रेरी खुली नहीं है। यूपी की बात कर रहे हैं? यूपी की नहीं, मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, जहाँ बीजेपी है। तो सुनो, फरीदाबाद की बात कर, तो माइक पकड़ ले तो भाई, तब तो मैंने पकड़ा दिया था, इस बार खुद ही पकड़ लिया, लाइसेंस मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये आप लोगों के लिए ही है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं कि यूपी जैसा फरीदाबाद में भी हो यानी हरियाणा में भी हो? मैं चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरी बनते वो लाइब्रेरी खुलनी चाहिए। सरकार बदलवाते हैं उसके लिए बोलिए। सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, सरकार को सुनने की जरूरत है। सरकार सुनिए भाई साहब, नहीं तो बदल जाएंगे। हाँ कहाँ से आए जो लोग कह रहे हैं, कब पुरानी है, छोड़ो ना। हाँ अब देखो अपना, मेरा नाम आशीष है, मैं लखनऊ से आया हूँ। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ भाई लखनऊ के धरती पुत्र के लिए। हाँ लखनऊ से आया हूँ। और जो अपना ठंड वंड का व्यवस्था करके आए, जब ठंड लगेगी तो जैकेट पहन लेंगे, और नहीं तो अपना इसमें आज टर्निंग भी है इसलिए लखनऊ की। जल्दी जल्दी बताइए, तो जो लखनऊ की जो हालत है वो मैं योगी जी में जो देख रहा हूँ वो ऐसी हालत है कि जो सपा जब थी गवर्नमेंट तो उनके राज में ये होता था कि किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के सामने से अगर कोई फैमिली जा रही है तो वो लोग रोक देते थे फैमिली की कार को, और लड़कों को निकाल के मेरे सामने मारा उन लोगों ने, अपड़ मार देते थे। गलत है भाई। हाँ एक सेकंड, देखिए माता जी है, कुछ कहना है आप लोगों को? बेटी, बेटी को बोलना था, चली गई बेटी। नहीं नहीं, पापा को बोलना है, घर के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये देखिए भाई साहब, बाप बेटी माँ सब आए हुए हैं, बेटा भी है, पूरा परिवार, पूर्ण परिवार है, इसी को बोलते हैं पूर्ण परिवार। एक बेटा है, एक बेटी है ना, मियाँ बीवी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बताइए। मैं वैसे यहाँ इंदिरापुरम में रहता हूँ लेकिन डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जो योगी जी कर रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और यही होना चाहिए, और योगी जी ही रहेंगे भाई, योगी जी ही रहेंगे। तो क्या चारू योगी जी चलते रहे, मोबाइल में लग जाएंगे तो यहाँ का ध्यान नहीं चलेगा भैया, बहुत तेज है यहाँ की पब्लिक। योगी जी ठीक है, चलते रहने चाहिए, दूसरे प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है या नहीं है, जल्दी बताइए। जब से योगी जी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश का बहुत सुधार हो, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी का बहुत सुधार हो गया, नोएडा का बहुत सुधार हो चुका है। लेकिन 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 ये तो सब नहीं मानते हैं, अब आप गुणगान कर लीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सुधार ही गया होगा, ठीक हो गया, गुंजाइश तो हर जगह होती है शिवम। देखिए अभी महाराज जी ने कहा था ना विधानसभा में कि यूपी में बाबा बा ना, भाई किसी को बोलना है हाथ उठा लेना आ जाऊंगा। तो बात बहुत साफ है, 10-20-30% तो बेचारों के उनके पास रहने दो, उनको भी तो राजनीति करने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन समर्थन महाराज जी की तरफ है और हमेशा रहेगा, और अगले 15 साल तो है ही है। ठीक है चलिए जल्दी से भाई, आज कौशिक भाई थोड़े नाराज है, कम आ पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं उन पर बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है, इधर कोई हाथ उठा रहा था। हाँ जी, हमें ऐसे बीजेपी सरकार की जरूरत नहीं है, ऐसे बुलडोजर की जरूरत नहीं है जो किसी को घर में जिंदा जला दे, ऐसी जरूरत है इन समाज। क्या हो गया? अरे भाई आराम से, 7 तारीख को घर जाना,
अरे भाई रुको। 7 तारीख को घर जाना है ना, घर जाना है। 8 तारीख को होली है ना, तो होली खेल के ना फिर बात करेंगे। हाँ जल्दी से भाई। इस सपा और बसपा का जो गठबंधन है अपराधियों का, इन्होंने सांठ गांठ बनाया, एक बार सरकार उनकी एक बार इनकी। मैं इन समाजवादियों से पूछना चाहता हूँ, आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता है जब ये अपराधी मारे जाते हैं? अपराधी मारे जाते हैं तो समाजवादियों के पेट में दर्द क्यों होता है? 1 सेकंड। हम क्या बोले? योगी बाबा बहुत अच्छा है, सही कर रहे हैं। दिल्ली करते क्या हो? हम ऑटो चलाते हैं सर, दिल्ली में। जी जी। और योगी बाबा अच्छे हैं? अरे केजरीवाल तो कहेंगे हमारे बिहार में चले जाए, हम बिहार में बुला रहे हैं योगी बाबा को। दिल्ली में योगी जैसा मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल से परेशान हो गए हम। वो दो गए ना जेल में। यह गजब है भाई, यहाँ की जनता सुनो अनुजा जी, यहाँ की जनता को देखिए। मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता। देखिए विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीतती है, निगम में भी, और कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, बताइए। देखिए योगी जैसे बाबा सबको चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हर एक आदमी चाहता है कि उसका घर सुरक्षित हो, और घर सुरक्षित करने के लिए योगी जैसा भाई चाहिए, योगी जैसा बाप चाहिए, लास्ट को ऐसा आदमी चाहिए जो आपके बिजनेस को, घर की औरतें सुरक्षित हो। आज कम से कम लेकर लोग जो कैश लेकर ट्रांजेक्शन होती है, छोटा ट्रांजेक्शन होती है, कम से कम कोई चिंता तो नहीं उसकी डेवलपमेंट। अब पहली बार चारू खुद निकल कर आई है कि मुझे बोलना है, तो हक बनता है इस धरती पुत्री। योगी जी का कहना है, एक चौराहे पे छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पे पकड़े जाओगे, ठोक देंगे बुलडोजर वाले। कहना चाहती हूँ कि अब तक देश में ये था कि नेता झूठे वादे करते हैं, लेकिन योगी जी एक ऐसे नेता है जो कहते हैं वो करते हैं। चलो भैया आज इतना ही, चलते चलते योगी राव के पास। योगी जैसा कहते हैं करके भी दिखलाते हैं।